गेहूं की खेती में अगर हम सघनीकरण विधि या श्री विधि का पालन करेंगे तो हम इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं। श्री विधि से गेहूं की फसल लगाने के लिए पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण चरण है बीज का उपचार। चलिए देखते हैं हमारी दीदी लोग कैसे गेहूं के बीज का उपचार कर रही हैं। भाभी ये सब हम तो अगले बार बीज लिए और खेत में सही बुआई कर दिए थे। तुम इस तरह से नहीं की थी ना, जो तुम पिछले साल गेहूं की खेती की उसमें तो तुम्हारा अच्छा फसल नहीं हुआ। कीड़ा उड़ा तो जरूर लगा हुआ होगा जिसके कारण से तुम्हारा कम फसल हुआ। इसलिए हम इस तरह से बीज उपचार हम कर लेंगे तो हमारा कीड़ा लगने का कोई संभावना नहीं होता है और इससे हमारा फसल अच्छा से हमारा पौधा अच्छा से बनता है। अच्छा भाभी तो हमें भी बताइए। देखो उसको करने के लिए हमको पहले बीज चाहिए, पानी, गुड़, बीज अमृत, एजेक्टोवेक्टर, पीएसबी और ट्राइकोडर्मा चाहिए। सबसे पहला है कि हमें अच्छे बीज को उसमें से छाट के निकालना है। अरे अच्छा बीज क्या होता है? हम तुमको बताते हैं कि किस तरह से इसको निकाला जाता है। पहले हम उबला हुआ पानी लेंगे, उसमें बीज डालेंगे और जो हमारा बीज में जो खराब रहेगा, सड़ा हुआ रहेगा, वो बीज ऊपर हो जाएगा। जब ऊपर हो जाएगा तो वो बीज को हम निकाल देंगे और निकालने के बाद जो हमारा अच्छा बीज रहता है वो वहाँ बैठ जाता है। फिर उसको हम अच्छे बीज को फिर निकाल के फिर 4-5 घंटा इसको पसार दिए, ये हमारी सबसे अच्छी बीज बच गई। जब तुम बीज उपचार करने के लिए जाओगी ना तो सबसे पहले गुड़ का पानी बना लेना है। इतना सारा तो सब हमें बता दिए, तो बीज कितना चाहिए? हम 20 डिसमिल में गेहूँ लगा रहे है इसलिए बीज 2 kg लिए है। जो हम दवाई लिए है एजेक्टोवेक्टर, पीएसवी, ट्राइकोडर्मा, इनमें से हम 20 ग्राम इसमें डालेंगे और जो गुड़ का पानी बनाएंगे वो 1 लीटर में 100 ग्राम गुड़ लेंगे। चलो ये सब कैसे बनता है वो सब करके हम तुमको दिखाते हैं। बीजा अमृत को इसमें मिलाएंगे के बाद से इसको अच्छे से मिलाएंगे, छांव में छोड़ देंगे के बाद गुड़ पानी से इसको मिलाएंगे जिससे गुड़ पानी से ये चिपचिपा हो जाता है। इसमें हम ट्राइकोडर्मा और एजेक्टोवेक्टर मिलाएंगे तो इसमें चिपचिपा हो जाएगा, ये अच्छे से चिपक जाएगा तो इससे हमारा बीज उपचार अच्छे से हो पाएगा। देखो अब ये तो मिल गया, अब इसमें हम दवा डालेंगे। इसमें से केवल हमको 20 ग्राम ही डालना है। इसके लिए हम एक माचिस का तिल्ली का डिब्बा ले लिए हैं जो कि इसे हम नापने में हमको सुविधा पड़े। ये 10 ग्राम का है तो हम 2 बार डालेंगे तो 20 ग्राम हो जाएगा। 10 ग्राम हो गया, 20 ग्राम हो गया। ये भी 10 ग्राम हो गया, ये भी 10 ग्राम हो गया, ये भी 20 ग्राम हो गया। अब हम पीएसबी और एजेक्टोवेक्टर डाल दिए हैं, अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और ट्राइकोडर्मा थोड़ा देर बाद में डालेंगे। अब तो ये अच्छी तरह से मिल गया, अब हम ट्राइकोडर्मा का फिर 20 ग्राम डालेंगे। ये 10 ग्राम हुआ, फिर 10 ग्राम हुआ, 20 ग्राम हो गया, फिर इसको हम अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। देखो अब इसको हम 12 घंटा से 18 घंटा तक इसको हम अच्छा से बांध के और छांव में छोड़ देंगे। उसके बाद से देखेंगे कल इसको जब बुआई करने लगेंगे तो इसमें छोटा छोटा अंकुरित हो जाएगा। उम्मीद है आप सब गेहूं के बीज उपचार की पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ गए हैं और आप भी इसी तरह बीज का उपचार करेंगे।